नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। बसपा विधायकों का कांग्रेस पार्टी में विलय का प्रकरण लगातार कानूनी उलझनों में उलझता जा रहा है, लेकिन इसी बीच बसपा विधायक वाजिब अली ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो गहलोत सरकार के साथ खड़े हैं, साथ ही साथ उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना भी साधा है। इसी के साथ वाजिब अली ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पायलट कैंप के ज्यादातर विधायक गहलोत के संपर्क में है। क्या कुछ कहा है उन्होंने खास बातचीत में, क्या उन्होंने दावे किए हैं, उसे सुनने के लिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। हेलो। हाँ सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? जी नमस्कार। सर, मैं जानना चाह रहा था कि जिस प्रकार से बसपा विधायकों का जो प्रकरण है वो अब उसमें पेचीदगी लगातार बढ़ती जा रही, क्या कहना है आपका इस पूरे मसले पर? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की ऐसी गंभीर पेचीदगी है। हम जितने भी बसपा के कृषक विधायक थे, हमारे दल के नेता श्री लाखन जी मीणा जी के नेतृत्व के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया, विधि पूर्वक कानून पूर्वक हमने पहले सलाह ली और उसके बाद में हम लोगों ने अपने मर्जर का फैसला दिया, जिस मर्जर को स्पीकर महोदय ने स्वीकारता दी और हम ऑफिशियली कांग्रेस एमएलए हो गए। उसके बाद पिछले 8-10 महीनों में कई बार हाउस चला, बहुत सारे बिजनेस आए, राज्यसभा के इलेक्शन हुए, तो सब में हमने अपने एज ए कांग्रेस एमएलए हमने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जब बीजेपी एक षड्यंत्र के द्वारा इस सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रही है, तो उसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं मेरा ये अपना ओपिनियन है कि दबाव के अंदर आके बहुजन समाज पार्टी उनका साथ देने की कोशिश कर रही है। नहीं तो 10 महीने से उन्हें क्यों नहीं लगा कि हमने भी गलत काम उठाया है, कदम उठाया है? आज अचानक जब इस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में पैदा हुई, अभी उन्हें क्यों याद आई? तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश का एक हिस्सा है, लेकिन जो भी हुआ है वो विधि और नियम पूर्वक हुआ है, हमें किसी प्रकार की कोई शंकाशंका नहीं है। इसीलिए आज जब नोटिस सर्व हुए तो हम लोगों ने बहुत वेलकमिंग तरीके से वो नोटिस रिसीव किए, और नोटिस तो पहले भी रिसीव हो जाते हैं, पहले किसी ने ट्राई नहीं किया, जबकि सबको पता है कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये जो दोबारा खंडपीठ में गए, इन्हें जाने की जरूरत नहीं थी, ये तो बेफालतू में इनको प्रोपेगेंडा बनाना था कि हम नोटिस डिलीवर नहीं हो पा रहे, ये हो पा रहा, वो हो पा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वाजिब जी, मेरा सवाल ये था कि हाई कोर्ट की ओर से जो नोटिस तामील की गई हो उसमें क्या लिखा गया है, उसमें किस बात का जिक्र किया गया है? आपके पास वो नोटिस पहुंच चुकी है क्या? नोटिस में हमारे पास आज सारे विधायकों के पास करीब 11-12 बजे के आसपास हमें यहाँ होटल में तामील हुए हैं। जी, नोटिस में जो रिट सेलेक्शन लगी है एक बीजेपी के सदस्य के द्वारा और एक बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, उन दोनों में जो 11 तारीख को अभी डेट है उसमें तब तक के लिए जवाब देने के लिए कहा गया है, तो वो नोटिस आ गए हमारे पास में। हम अब से पहले तो जब तक कुछ ऑफिशियली था नहीं तो हमें कुछ ज्यादा जानकारी थी कि दे देगी। अब जब हमें ऑफिशियली नोटिस सर्व हो गए तो अब हम भी कानूनी सलाह ले रहे हैं और हमने आज लाखन जी के अपने संविधायकों की मीटिंग भी करी, उसके बाद में लीगल ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं और बिल्कुल लीगल तरीके से इसको जवाब दिया जाएगा, कहीं कोई हमें कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। वाजिद जी, क्या गहलोत सरकार के बारे में आप रहे कि क्या खुश है? जी, गहलोत सरकार में आने से पहले हमने 8 महीने का कार्यकाल देखा एज ए बीएसपी एमएलए, और हम उनकी कार्यशैली से प्रदेश के प्रति, प्रदेश की जनता के प्रति जो उनका भाव है, जो काम करने की उनकी इच्छा शक्ति है, उसके प्रति हम लोग बहुत प्रभावित हुए। उसी के चलते हमने ये निर्णय लिया कि हमें सरकार को और मजबूत करना चाहिए। जब से ये सरकार बनी तब से जिस तरीके से पूरे देश के अंदर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गोवा हो या मणिपुर हो, बीजेपी जो है वो हारने के बाद हार स्वीकार करना पसंद नहीं करती, वो धन बल उल्टी सीधी नीतियों के तहत सरकार को अनुसरण करने की कोशिश करती है। हमारा सरकार में शामिल होना, कांग्रेस पार्टी को कि मैं शामिल होने का मकसद भी यह था कि प्रदेश के अंदर एक मजबूत सरकार दी जाए। जनता ने जो बीजेपी को आउट ऑफ पावर किया, जो जनादेश कांग्रेस को दिया है, उसको मजबूत तरीके से उनके लिए काम किया जाए। और अगर मैं अपना कार्यकाल देखूं, मेरी विधानसभा के अंदर ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए जो बीजेपी 30 साल के अंदर नहीं हुए जी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत जी का, जिन्होंने हम सबकी समस्याओं को प्रायोरिटी दी, जनता की प्रायोरिटी दी। और अगर आप देखें कोविड पैंडेमिक के अंदर जिस तरीके से गहलोत साहब ने
इस मैनेजमेंट किया है पूरे प्रदेश के अंदर। जब मोदी जी 22 तारीख को थाली भिजवा रहे थे, उससे एक दिन पहले 21 तारीख को जो है पूरा प्रदेश लॉकडाउन हो गया था जी। तो कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता, उनको लेकिन जो बसपा सुप्रीमो वाजिब जी, जो बसपा सुप्रीमो मायावती है, उनका कहना है कि गहलोत सरकार ने यहाँ पे षड्यंत्र करके उनके विधायकों को शामिल किया है। जब हम लोग खुद अपनी खुशी खुशी जा रहे तो षड्यंत्र की बात ही नहीं होती। हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें प्रदेश के लिए किस तरह से काम करना है, और वो हमने तो उसमें षड्यंत्र की कोई बात ही नहीं है ना। षड्यंत्र जो अब हो रहा है वो हो रहा है षड्यंत्र। तो आपको ये नहीं लगता कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती है वो बीजेपी के इशारे पर क्या ये सब कदम उठा रही है? बिल्कुल, मैंने कहा पहले भी आपको, क्योंकि ये जो प्रकरण पूरा अब इस वक्त इस षड्यंत्र के तहत बसपा का ये स्टैंड साफ साफ ये बात को जाहिर कर रहा है कि वो बीजेपी के दबाव में आके उनकी मदद करने के लिए, सरकार को जो भी अनस्टेबल करने के लिए ये कदम उठाया है। लेकिन कानूनी तौर पे ये कोई स्टैंड नहीं करता है, और हमें पूरा यकीन है हमें उच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। सचिन पायलट की भूमिका कितनी समझ में आती है आपको? क्या लगता है सचिन पायलट की कितनी भूमिका इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, ये जो कोर्ट का जो मामला है, मुझे नहीं लगता कि इसमें सचिन पायलट साहब या किसी और की कोई ऐसी भूमिका है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का मुद्दा है और बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है, सरकार को अनस्टेबल करने के लिए एक कोशिश है। आप बाड़े के अंदर है वाजिब जी, नंबर गेम को लेकर कितना अस्वस्थ है? कितने विधायक है अभी, क्या संख्या विधायकों की? 100% हम लोग जो है बहुमत में है, और हाँ, यहाँ पर कोई भी आदमी सरकार की स्टैंड को लेके कहीं भी कोई किसी के कोई शंका नहीं है। पूरे प्रदेश के लिए हमें मजबूत उसकी सरकार देना चाहते हैं। ये सही बात है कि हम लोग एक साथ है। उसका कारण ये है कि जब इस बड़े जो केंद्रीय मंत्री, दो दो तीन तीन केंद्रीय मंत्री और जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस चीज को, कोशिश करने में लगे हुए हैं धन बल के स्रोतों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार को एकजुट करके किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से उसको फेल किया जाए। उसी के तहत हम लोग यहाँ पर एक साथ हैं, तो हम लोग खुश हैं और बिल्कुल संतुष्ट हैं। सरकार बिल्कुल मजबूत है और आगे भी रहेगी। इनफैक्ट जो लोग हमारे साथ, हमारे साथी नहीं है, हमें पूरी पूरी उम्मीद है वो भी हमारे साथ आना चाह रहे हैं। उनसे भी लगातार, वो भी लगातार हम लोग से संपर्क कर रहे हैं, पर वहां परिस्थिति ऐसी है कि शायद उनको आने नहीं दिया जा रहा। और पूरी उम्मीद जब सही चलेगा तब मजबूत बहुमत हमारी सरकार का दिखोगे। वाजिब जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, पायलट कैंप का आरोप है कि जैसलमेर के बाड़े में जैमर लगा दिए गए हैं, विधायकों को एक दूसरे से बात नहीं करने दी जा रही है, फोन तक उनके पास उपलब्ध नहीं, क्या ये बात सच है? देखिए सर, मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है, आपने पहली बार फोन मिलाया, मेरे आपसे बात हो रही है जी। तो अगर जैमर होते, अगर हम जिनसे बातें नहीं कर पाते, तो मैं आप मेरे अनजान हो भी तक, तो मैं आपसे कैसे बात करता? तो ये कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि ये सारी अफवाहें हैं। ये जब उनके पास किसी प्रकार कोई तथ्य नहीं मिल रहा, उसकी बातें करी जा रही है। हम अभी सब लोग सारे मेरे साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे क्षेत्र से लगातार हमारे कार्यकर्ताओं से फोन आ रहे हैं, उनकी जो परेशानी होती है हम लोग उनको दूर कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र के सारे अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं कि कोविड के चलते किस तरीके की जो इंतजाम किए गए हैं वो क्या अच्छे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अभी जो ये रसोई मुख्यमंत्री जी ने चलवाई है रसोई, इसके लिए हम लोगों ने आज सुबह मीटिंग करी, लगभग सभी लोगों ने कहा काम चलेगी, कैसे कैसे जल्दी संचालन कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं उस तरह कोई बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी जनता के संपर्क में भी है, लोगों के संपर्क में भी है, और ये जैमर, ये रोक, ये सारी बातें अफवाहें हैं। वाजिब जी, अभी आपने कहा कि उधर के भी कुछ विधायक संपर्क में है, तो क्या पायलट कैंप के विधायक संपर्क में है गहलोत सरकार के? जी बिल्कुल, मेरे तात्री हमारे पुराने, वो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, हमारी पार्टी से चुनाव जीते थे, और जैसी बात पे बहुत सीनियर साथी भी हैं। निश्चित तौर पे जिस भी परिस्थिति में वो लोग रास्ते से भटके, हमें पूरी उम्मीद है जब सदन चलेगा तो वो लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू वाजिब जी, थैंक यू सर। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस तरीके से वाजिब अली जो बसपा विधायक है जब और मौजूदा वक्त में वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, गहलोत सरकार के बाड़े में है, उनका कहना है कि जिस प्रकार के गहलोत सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं और उनके क्षेत्र में जो विकास के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, इससे वो प्रभावित है और अपने मनमर्जी से ही वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। लिहाजा जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती इसे उलझाना चाह रही है, इसमें वाजिब अली का कहना था कि ये कुछ नहीं, सिर्फ प्रोपोगंडा है। खैर, देखना होगा, इंतजार करना होगा 11 तारीख का, क्योंकि 11 तारीख का इस अंतिम निर्णय आने वाला है। दोस्तों, राजस्थान की हर सियासी उठक पटक पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं, हर बड़ी खबर हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।